हेलो एवरीवन वेलकम टू लक्षियर फोर्स फर्स्ट क्वेश्चन है एक परिपथ में एक वोल्ट मीटर रखा है इसके रेंज को ट्रिपल करने के लिए किस वैल्यू का रेजिस्टेंस यूज करना चाहिए दोस्तों इस सीरीज़ में जितने भी क्वेश्चंस में इंक्लूड करता हूं वो किसी ना किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आए हुए होते हैं तो ये आपके अपकमिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है मैंने प्ले बना दी है इस सीरीज़ का एक भी वीडियो आप मिस मत करना अब देखो इस सवाल को करने की जो शॉर्टेस्ट अप्रोच है वो क्या होनी चाहिए कम से कम कैलकुलेशन करना पड़े तो आपने ये सोचना था कि वोल्ट मीटर है तो वोल्ट मीटर है तो, -मीटर है, तो उसमें जो जोड़ेंगे प्रतिरोध वो सीरीज़ में जोड़ेंगे सीरीज़ में हमारा जो करंट है वो सेम रहता है इतनी बात आपको पता है कि सीरीज़ में करंट सेम रहता है अब दो इक्वेशन लिखते हैं पहले हमने लिखा वी बराबर ठीक है जब वो नहीं जोड़ा था अब उसकी रेंज हमें थ्रा, थ्राइस करनी थी मतलब थ्री वी करना था तो हमें जोड़ना पड़ेगा रेजिस्टेंस तो आई तो सेम रहेगा क्योंकि सीरीज में जोड़ेंगे वो सीरीज में आई सेम रहता है तो जो हम जोड़ेंगे वो सीरीज में इसी तरह से हो जाता है आर वन प्लस आर टू तो हमने आर डैस जोड़ दिया और यही आर हमें फाइंड करना है तो इसको अगर हम इक्वेशन फर्स्ट कह दें इसको सेकंड कह दें आंसर आपकी नज़रों के सामने है सवाल हो चुका बस कैलकुलेशन का पार्ट रह गया वो थोड़ा देख लेते हैं आर डैस हमें फाइंड करना है अब देखो यहाँ से आई इधर डिवाइड में ले आएंगे तो थ्री वी अपॉन आई हो जाएगा उधर बचा आर जो था और आर डैस हमने जोड़ दिया अब वी वटे आई को हम क्या लिख सकते हैं इधर से वी वट आई वी वटे आई आई इधर ले जाएंगे फर्स्ट इक्वेशन से तो उसको हम आर लिख सकते हैं यानी कि इस चीज़ को हम आर से रिप्लेस कर सकते हैं तो थ्री आर बराबर क्या हो गया आर प्लस आर डैस तो आर डैस हमें अब सिंपली कितना दिख गया आर उधर जाएगा तो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा मतलब टू आर बचा तो हमारा आंसर कितना आ गया टू आर का रेजिस्टेंस जोड़ देंगे तो उसका जो रेंज है वो ट्रिपल यानी कि थ्राइस हो जाएगा सवाल बिल्कुल इजी था और इसको मैं फिगर बना के भी बता सकता था लेकिन मैं कोई ऐसी अननेसेसरी चीज़ नहीं बता रहा हूँ अभी इन इस सीरीज़ में जो मैं वो अप्रोच बता रहा हूँ जो एग्ज़ाम में लगानी है एग्ज़ाम में आपको फ़िगर के मार्क्स नहीं मिलते हैं आप दो पॉइंट यहाँ से लिख सकते हो बहुत सारे तो तुक्का स्पेशलिस्ट होते हैं वो देखते हैं थ्री गुना है तो ये थ्री गुना हो जाना चाहिए ठीक है अब आपको पता है कि ये थ्री गुना नहीं होगा कैसे कैसेना होगा अब मैं आपको एक बात बताऊं कि दो बातें आप याद रखना जिनको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है एक कि जो आपका पैरल में आपका वोल्ट सेम रहता है और सीरीज़ में आपका करेंट सेम रहता है ठीक है दो बातें आप याद रखना नेक्स्ट क्वेश्चन है डोमेन किस पदार्थ से बनते हैं कौन सा ऐसा सब्सटेंस है तो इसका आंसर हो जाएगा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस तो दो फैक्ट आपको याद रखने हैं इस चैप्टर से दो क्वेश्चन है वो फ्रिक्वेंटली पूछता है एयरफोर्स और नेवी का रिक्रूटमेंट बोर्ड एक पूछेगा कि अगर फेरोमैग्नेटिक कोई लौह चुमकी पदार्थ है उसको क्यूरी ताप से या उससे अधिक ताप दे दें तो वो किस पदार्थ में बदल जाएगा चार ऐसे ही ऑप्शन होंगे तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है वो क्यूरी टेम्परेचर पे आपका पैरामैग्नेटिक यानी कि अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है पहला पॉइंट दूसरा ये पूछा जाता है डोमेन किस पदार्थ से बनते हैं लौ चुमकी अब वो पता ही होगा कि चुमकी प्रवृत्ति नेगेटिव है तो वो क्या होगा चुमकी पॉजिटिव है तो क्या होगा और बहुत अधिक है तब क्या होगा ये तो पता ही होगा आपको चैप्टर या आई होप आपने पढ़ रखा होगा एक शब्द होता है सेथिल्य सेथिले या जिसको इंग्लिश में हाइपर ऐसे कुछ कहते हैं तो कौन सा ऐसे चार ऑप्शन होंगे कि क्या कौन सा रिप्रेजेंट करता है ये तो उसका भी फेरोमैग्नेटिक हो जाएगा ठीक है सबसे पहले आपको अन के कुछ बैचेस के बारे में बता दूं अगर आप एन डी टू के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो तो कंप्लीट बैच है जो 2021 के लिए स्टार्ट हुआ है जो 21 अप्रैल से ठीक है इसका डेट जो है वो इक्कीस अप्रैल से जो बहुत एक रिसेंट बैच है जिसमें आप इनरोल कर सकते हो एंड अनदर जो आप अगर कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हो ग्रुप एक्स वाई के लिए तो उसमें चैप्टर वाइज पूरा पढ़ाएंगे ये लोग ठीक है जो आपको ये दिख रहे हैं ये ये जी और क्या कहते हैं रीजनल

कि एक आर रेजिस्टेंस का वायर है इसको 10 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया गया और सभी को पैरेलल में जोड़ दिया गया तो इस संयोजन का जो रिजल्टेंट जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा पॉइंट जीरो वन आर होगा ऑप्शंस भी ऐसे ही थे एक बच्चे ने हमें विद ऑप्शन भेजा था ये क्वेश्चन अब देखो क्या करेंगे इसमें हम और एक बात बताओ आप लोग अभी जब मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कराया था तो उसके बाद एक स्क्रीन शॉट यहाँ पे स्क्रीन पर पॉपअप हुआ होगा कुछ सेकंड्स के लिए तो कमेंट सेक्शन में बताओ कितने बच्चों ने उसका स्क्रीन शॉट ले लिया था अभी मेरी इस बात को बताने से पहले ही क्योंकि इसमें दो जो क्वेश्चन थे उस उसमें टिक भी था आंसर और वो दो क्वेश्चन थे वो ऐसे क्वेश्चन थे जो फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं तो अगर आपने भी स्क्रीन लिया था तो आप जीनियस हो और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना जेनुअनली कितने बच्चों ने उनका स्क्रीन ले लिया था अब देखो अगर जो है एक रेजिस्टेंस है ठीक है उसका आर है इसको दस पार्ट में कट करके और उसको पैरेलल में जोड़ना है तो दस पार्ट ऐसे हम पैरेलल में जोड़ देंगे तो मैं फिगर नहीं बना रहा हूँ बाकी ये तो पता है कि प्रत्येक का जो है वो आर बाई टेन हो जाएगा ईच का जो रजिस्टेंस है वो आर बाई टेन हो जाएगा और इसको मैं ट्रिक से भी तुरंत बता सकता हूँ लेकिन जब तक आपको समझ में ना आए तब तक क्या फ़ायदा अब आर इक्वेलेंट जो निकलता है आर इक्वेलेंट पैरेलल के लिए वो कैसे निकलता है एक बटे आर वन प्लस एक बटे आर टू प्लस एक बटे आर थ्री तो एक वटे आर वन कितना है आर वटे टेन तो टेन ऊपर जाएगा प्लस ऐसे सभी सेम है तो टेन बटे आर डॉट 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 पूरा दस के दस टेन बटे आर जुड़ जाएंगे बात समझ रहे हो तो ये नीचे तो इनका एल्सीयम लेंगे हम जब एल्सीयम नीचे लेंगे तो आर आएगा और ऊपर जो दस है वो दस बार जुड़ेंगे तो सौ बन जाएगा यानी कि एक बटे आर इक्वेलेंट जो है वो कितना आ गया सौ बटे आर तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आर इक्विवेलेंट हमारा इधर जाएगा वो कितना आ जाएगा आर बटे सौ का मतलब दो पॉइंट के बाद डेसिमल यानी कि ठीक है ध्यान से पढ़ना क्योंकि दूसरा ऑप्शन जो है वो क्लोज है थोड़ी सी कैलकुलेशन गलत कर दोगे तो सौ आर भी लगा सकते हो जल्दबाजी में तो इस सवाल को कर तो सब बच्चा लेंगे लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन पे ध्यान देना और ऐसे सवाल जो है वो आते हैं जो आपको थोड़ा अगर आप जल्दबाजी में रहे तो गलत कर दोगे प्रकाश किरण डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में इंटर करती है अगर रेयर मीडियम में वेलोसिटी जो है वो डेंसर का डबल है ट्वाइस है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है दैट मस्ट बी बिगर देन ट्वेंटी लार्जर देन थर्टी बिगर देन फोर्टी फाइव बिगर देन सिक्सटी देखो इस क्वेश्चन को आप इस मैं कह रहा हूँ इसके लिए दो सेकेंड भी बहुत हैं इस सवाल को करने के लिए दो सेकेंड भी बहुत हैं और इसका जो क्वेश्चन और ऑप्शन की फ्रेमिंग है वो एक्चुअली एग्जाम में जिस तरह से ऑप्शन थे उसी तरह से मैंने लिखे हैं तो आप पहले इसको समझ लो फिर उसके बाद ट्रिक तो अपना है ही पहले समझना हमें क्या है कि अगर डेंसर का हम वेलोसिटी वी वन मान लें और रेयर का कितना है वी टू मान लें ठीक है तो कह रहा है कि वे जो वेरल में है जो वी टू है वो हमारा डबल है तो टू वी वन हो जाएगा अगर हम उसका वी वन मान लें डेंसर का आपको पता है कि जो वेलोसिटी है अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका रेसिप्रोकल होता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो इस तरह से एन वन अगर उस मीडियम का लिखें तो वो टू एन टू लिख सकते हैं तो अगर वेलोसिटी थी तो उससे हम रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का इस तरह से लिख सकते हैं क्वेश्चन अब एक बात बताओ जो आपका एन वन साइन ठीटा क्रिटिकल साइन थीटा मतलब क्रिटिकल एंगल एन टू हो जाएगा तो अगर हम यहाँ से साइन थीटा निकालें जो क्रांतिक कोण निकाल लें तो वो एन टू बटे एन वन हो जाएगा और एन टू बटे एन वन हमारा कितना है एन टू बटे एन वन हमारा है एक बटे दो यानी कि इस चीज़ को हम एक बटे दो लिख सकते हैं एक बटे दो का मतलब साइन थीटा में एक बटे दो कितने का मान होता है तीस का तो थीटा का मान कितना आ गया तीस अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए उसका मान जो है वो क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए तो तीस से बड़ा यही ऑप्शन हो जाएगा तीस से बड़ा ठीक है ये तो हमने आपको पूरा समझा दिया कि इस तरह से उसको करना था बाकी अब ऐसे जो कंपिटेटिव एग्जाम वाली अप्रोच है वो मैं समझा रहा हूँ थोड़ा आप मतलब कंसंट्रेशन से मेरी बात को सुनना ये आपको अगर नहीं भी समझ में आया डजेंट मैटर सवाल आया आपके एग्ज़ाम में ठीक है आपने देखा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए जो इंटर एं, एंगल ऑफ इंसिडेंस है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल क्रांतिक कोण से तो बड़ा होना चाहिए ठीक है इतना तो हमने सोच लिया था कि क्रांतिक कोण जैसा कुछ है अब क्रांतिक कोण का मतलब साइन का माना साइन मिल मिलता है मेरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में मतलब साइन का कुछ लोचा रहेगा अब साइन का कुछ लोचा रहेगा तो जहाँ इसमें डबल की बात करी गई है ऊपर डबल की बात करी गई मतलब एक बटे दो होगा या दो बटे एक होगा और दो साइन में किसी का मान होता नहीं है तो एक बटे दो यानी कि हमें अल्टीमेटली मिलेगा तो तीस डिग्री ही बीस डिग्री का तो क्वेश्चन ही नहीं है फोर्टी फाइव रूट दो जैसा कुछ क्योंकि क्रिटिकल एंगल से ही हम कुछ तिकड़म लगाएंगे तो फोर्टी फाइव यहाँ पे कहीं आने का कोई लॉजिक नहीं दिख रहा क्योंकि डबल दिखा रहा है रूट दो हम कहाँ से लाएंगे सिक्सटी रूट तीन कहाँ से लाएंगे नहीं हो सकता तो अल्टीमेटली हम साइन थर्टी से बड़ा लगा सकते थे क्यों क्योंकि हमें पता है डबल का सिस्टम आ रहा है और क्रांतिक कौन आना है तो क्रांति कोण में दो बटे एक मिलेगा या एक बटे दो मिलेगा मतलब हमें साइन थीटा में एक बटे दो जो मान होता है वो तीस का होता है मतलब तीस से बड़ा हमारा आंसर हो गया कैलकुलेशन हमें करनी नहीं थी सोचना ही नहीं था कि वेलोसिटी के रेसी होता है या क्या होता है तो कभी कभी इस तरह की जो आपकी सोच है इस तरह की थाट प्रोसेस है वो आपको सफल करवा सकती है हमेशा ज़रूरत नहीं है कि आप कैलकुलेशन करो अगर इन तरह की चीज़ें से आप आंसर तक पहुँच सकते हो तो यू नीड नॉट टू अब देखो इस क्वेश्चन में हमने देखा कि एंगल जो है वो बड़ा होना चाहिए तीस डिग्री से इसका जो दूसरी लैंग्वेज में है जो सवाल वही है बस थोड़ी लैंग्वेज देखना अब इसमें कह रहा है कि टी आई आर बिल्कुल ना हो क्या कह रहा है सवाल बिल्कुल भी वही है कह रहा है एक करड़ एक माध्यम से दूसरे में जाती है दूसरे माध्यम में चाल जो है वो दो गुनी है तो आपतन कोण का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा जिसके लिए टी आई आर बिल्कुल ना हो तो हमने देखा टी आई आर होगा कब जब वो क्रिटिकल एंगल यानी कि तीस डिग्री से जो है वो बड़ा होगा तभी तो टी आई आर होगा यानी कि तीस डिग्री मैक्सिमम वो वैल्यू है एंगल की जहाँ तक टी आई आर नहीं होगा अगर तीस से बड़ा हो जाएगा ऊपर हमने देखा तभी तो टी होगा तो तीस डिग्री वो मैक्सिमम वैल्यू है जिस पे टी आई आर नहीं होगा तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दो दो लैंग्वेज हैं इसकी पहला वो इस तरह से और इस तरह से पूछा जा सकता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है एक सर्कुलर लूप है ठीक है तो उसमें क्या है कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट उसका एम था इनिशियली अगर लूप की रेडियस जो है क्योंकि वो सर्कुलर है तो सर्कल में रेडियस होगी और रेडियस अगर हाफ़ कर दें तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाए तो एम बराबर होता है आई ए अब आई एरिया क्या हो जाएगा सर्कल है सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर तो पाई आर स्क्वायर तो आई तो सेम रहेगा क्योंकि जो है उस ऐसी कोई बात नहीं करी गई है करंट को चेंज करने की तो आर रेडियस के जो है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट रेडियस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रपोजनल है अगर रेडियस डबल करी जाएगी तो वो उसका चार गुना स्क्वायर यानी कि चार गुना हो जाएगा अगर रेडियस हाफ करी गई है तो उसका वन फोर्थ हो जाएगा यानी कि एम बटे चार इसका ये जो स्लाइड आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रही है ये जितना भी इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहो वो कम है क्योंकि तीन जो क्वेश्चन है वो उनमें से एक क्वेश्चन आपका एयरफोर्स और नेवी में तो आना ही आना है अगर धारावाही चालक का पूछा जाए तो केवल मैग्नेटिक फील्ड अगर हमारा मूविंग चार्ज का पूछा जाए तो मैग्नेटिक और और इलेक्ट्रिक दोनों हो जाएगा लेकिन अगर एक चार्ज पार्टिकल अगर एक्सीटेड मोशन करने लगे तो वैद्युत और चुंबकीय के साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी ये जो तीन क्वेश्चन है फर्स्ट का आंसर ए सेकेंड का आंसर सी थर्ड का आंसर सी ये तीन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जो है हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपके अपकमिंग एयर फोर्स और नेवी के एग्जाम में आपको दिखेगा और सबसे ज्यादा तो यही आता है मूविंग चार्ज का अभी जो छह नवंबर वाला इंटेक था उसमें भी दो शिफ्ट में ये पूछा गया था क्वेश्चन है जब किसी बैटरी को सोलह ओम के रजिस्टर से जोड़ा गया तो वोल्टेज बारह था जब दस ओम के रजिस्टर से जोड़ा गया तो वोल्टेज ग्यारह है ठीक है क्वेश्चन लैंग्वेज में थोड़ा बड़ा है बाकी कैलकुलेशन ये डिपेंड करता है देखो इस तरह का अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है तो आप तभी कर पाओगे दो ही पॉसिबल अगर एग्जाम से पहले आपने इस तरह के सवाल की प्रैक्टिस कभी की होगी तो तो आप कर ले जाओगे अन्यथा आप स्किप कर दोगे ठीक है तो वही है अगर फॉर्मूला सिंपली क्या है वी बराबर ई e बटे आर प्लस आर इंटू आर अगर इससे आप दो इक्वेशन बनाओ जल्दी से सॉल्व कर लो पहले वी कितना था पहले वी बारह वोल्ट था ई e बटे आर प्लस आर मतलब सोलह ओम प्लस आर हमें निकालना है इंटू सोलह ऐसे ही अब दूसरा इक्वेशन अब स्क्रीन पे आपको कैलकुलेशन का पार्ट दिख रहा होगा हमने दो इक्वेशंस बना ली ई e का वैल्यू एक साइड रखा ई e का मान इधर से कितना आ जाएगा बारह इंटू सोलह प्लस आर बटे सोलह सिमिलरली दूसरे वैल्यूज रख के दूसरे इक्वेशन बनाएंगे तो उसमें भी ई e की मान निकालेंगे फिर दोनों ई e को हमने इक्वल कर दिया कंपेयर करके तो हमें जो इंटरनल रजिस्टेंस है उसकी वैल्यू मिल गई ट्वेंटी अपॉइन्ट सेवन तो इस तरह का क्वेश्चन आप अब छोड़ना नहीं मैं पहले भी कह रहा हूँ कुछ मैं मॉडरेट क्वेश्चन भी इसलिए इंक्लूड कर दे रहा हूँ क्योंकि जो असली फाइट है उन दस क्वेश्चन की अगर उस में ऐसे कुछ हाई लेवल या मॉडरेट क्वेश्चन बनते हैं इन केस पहले तो पेपर इजी रहता है अगर मॉडरेट टू हाई एग्जामिनर ले जाता है तो आप वो वॉरियर बनो कि आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन पेपर आ जाए वह मापी के प्रयोग में E1 और E2 विद्युत भाग बल हैं दो सैलों के उन्हीं का हमें रेशियो निकालना है पहले क्या है कि बैलेंस पॉइंट 58 सेंटीमीटर पे मिल रहा था फिर E2 जो है जब उनको उलट दिया गया तो 29 सेंटीमीटर दिस इज फॉर यू गाइस एक क्वेश्चन ऐसे आ चुका है आपके एग्जाम में वैसे ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था कि वीट ब्रिज है वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होगा सबसे ज़्यादा संवेदनशील होगा पहला ऑप्शन था जब चारों प्रतिरोध बराबर हो यानी कि पी क्यू आर एस सभी समान हो दूसरा ऑप्शन था जब चारों प्रतिरोध असमान हो यानी कि पी इज़ नॉट इक्वल टू क्यू नॉट इक्वल टू आर नॉट इक्वल टू एस तीसरा ऑप्शन पी इज ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन क्यू आर इज लेसर देन लेसर देन एस जैसे चार ऑप्शन थे तो उसका आंसर था जब चारों जो हैं वो जो इक्वल होंगे जब पी बराबर क्यू बराबर आर बराबर एस होंगे तो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होगा वो मीटर ठीक है वीट स्टोन ब्रिज इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और मैं आशा करता हूँ कि मैं रोज़ दस से पंद्रह मिनट में आपको कुछ ना कुछ ऐसा सिखा रहा हूँ कि अगर इन सारी चीज़ों को आप एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से लिख लोगे कहीं पर और एग्जाम के बिफोर एक बार रिवाइज़ कर लोगे तो आप एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन हिट होंगे पंद्रह क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें डेटा भी बदला हुआ नहीं होगा और आप बहुत चीयरफुली आंसर्स को मार्क्स कर रहे होंगे और हमें याद कर रहे होंगे तो बस यही एक्सपेक्ट करता हूं कि आप वीडियो को लाइक करके जाओगे क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट मेरा कोई भी आप मैं आपसे कुछ नहीं ले रहा हूं बस आपका एप्रिसिएशन ही है जो हमें वीडियोज बनाने पर मजबूर कर देता है तो प्लीज कीप डूइंग